So Simple Tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple Tutorial. बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में यह देखा कि सरकार कैसे काम करती है. How is a major policy decision taken? सरकारें इसी तरह काम करती हैं. तो सरकार क्या क्या काम करती हैं? चलिए आप ही से सवाल पूछ लेते हैं कि सरकारें क्या काम करती हैं. आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. कोई एक खास काम तो नहीं करती है, हर तरह के काम को करने की जरूरत पड़ती है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल. तो सरकार देश के सिटीजन्स को सुरक्षा देती है, यह आपको हम सबको एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड करती है, ये हमको हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है. इन सब कामों में पैसे खर्च होते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाती है? इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दस रेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. तो सरकार लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स से पैसा आता है, और फिर इस तरह जो पैसे आते हैं उसे ही सेना में, प्रशासनिक कामों में, पुलिस में या अन्य डेवलपमेंट वर्क्स पर खर्च करती है. इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स. सरकार लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाती है और उन्हें लागू करती है. ठीक है, अब ये जितने एक्टिविटीज सरकार करती है, तो क्या एक ही आदमी इन सब के बारे में सोचेगा, फैसले लेगा और लागू भी करेगा? नहीं ना, कुछ लोगों को इन कामों को चलाने का फैसला लेना होता है और कुछ लोगों को इन्हें इम्प्लीमेंट कराने का. फिर यदि इन फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने में डिस्प्यूट हो जाए, तो यह तय करने वाला भी चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत. इसीलिए बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इन कामों को देखने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और इन्हीं अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. कोई भी डेमोक्रेसी तभी बढ़िया से काम करता है जब उसके इंस्टीट्यूशंस ठीक ढंग से काम करते हैं. इसीलिए हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंस्टीट्यूशंस के पावर और फंक्शंस का उल्लेख होता है. आपको मंडल कमीशन वाली कहानी में ही इंस्टीट्यूशंस का काम थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा, है ना? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन है जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेती है. जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वे मिनिस्टर्स के फैसले को लागू करने के लिए जिम्मेवार होते हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नागरिक और सरकार के बीच डिस्प्यूट हो तो उसे सेटल करती है. तो अब आपको नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझ आने लगा होगा. पर बच्चों, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इजी. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये कायदे कानून से जुड़े होते हैं. इससे काम करने वालों के हाथ बन सकते हैं. किसी काम का डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है, पर रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं होता है. हम लोगों ने डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक पॉइंट डिस्कस किया था, डिले इन डिसीजन मेकिंग, याद है? ऐसा क्यों? क्योंकि मीटिंग्स, कमिटीज, कंसल्टेशंस आदि की वजह से देर हो जाती है. जब देर होती है तो परेशानी भी होती है. ऐसे में कोई भी सोच सकता है कि इससे तो अच्छा होता एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन ले लेता, इतने प्रोसीजर्स, मीटिंग्स आदि की क्या जरूरत. पर आप भी इस बात को समझते हैं कि दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. देर होती तो है, थोड़ी परेशानी महसूस होती तो है, पर रिजल्ट तो अच्छा आता है. किसी भी डिसीजन पर आने से पहले लोगों से कंसल्ट करने का मौका मिलता है. इससे यह फायदा हो जाता है कि गुड डिसीजन लेने में थोड़ी देर हो जाती है, पर बैड डिसीजंस की संभावना तो कम हो जाती है. इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर जोर देती है. तो बच्चों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं. आपको व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझ आ गया होगा. चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं. 1. व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस?
Why are political institutions important? Give any three points. 3. Working with institution is not easy. Justify the statement. तो बच्चों अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट। तब तक कीप रीडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।